साथियों, प्रयागराज का तप और तप के साथ इस नगरी का युगों पुराना नाता रहा है। पिछले कुछ महीनों से करोड़ों लोग यहां तप, ध्यान और साधना कर रहे हैं। प्रयागराज के कण कण में तप का असर हर कोई अनुभव कर सकता है। कुंभ में हठ योगी भी है, तप योगी भी है, मंत्र योगी भी है और इन्हीं के बीच ये कर्मठ मेरे कर्म योगी भी है। ये कर्म योगी मेले की व्यवस्था में लगे वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है। मैं एनडीआरएफ के हमारे साथी भाई राजेंद्र गौतम को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने श्रद्धालुओं के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इन कर्मयोगियों में वो नाविक भी हैं जिन्होंने मां गंगा की साधना करने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इन कर्मयोगियों में प्रयागराज के स्थानीय निवासी भी शामिल हैं जिनकी तपस्या मेला शुरू होने से महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। साथियों, कुंभ के कर्मयोगियों में साफ सफाई से जुड़े कर्मचारी और स्वच्छाग्रही भी शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में हो रही साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। जिस जगह पर बीते 5-6 हफ्ते में 20-22 करोड़ से ज्यादा लोग जुटे हो, वहां की अस्थाई व्यवस्थाओं में सफाई की व्यवस्था करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे साथियों, आपने साबित कर दिया है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मुझे ऐसे ही कर्मयोगियों से मिलने का अवसर मिला। ये साफ सफाई करने वाले मेरे वो भाई बहन थे जो बीते कई हफ्तों से मेला क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सुबह बहुत जल्दी उठना, रात में बहुत देर से सोना, दिन भर कूड़ा उठाना, गंदगी साफ करना, शौचालय साफ करना, इसी काम में वो लगे रहे थे। ये बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी की नजर में आए चुपचाप अपना काम कर रहे थे। लेकिन इन कर्मयोगियों की, स्वच्छाग्रहियों की मेहनत का पता मुझे दिल्ली में लगातार मिलता रहता था।
जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मीडिया में भी मैंने अक्सर देखा कि लोग कुंभ में स्वच्छता की इस बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रशंसा के असली हकदार आप लोग हैं। सफाई के काम में जुटे मेरे भाई बहन हैं।